मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक मैं साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा, उनको क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा टोन बहुत ही तीखा कर दिया है और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है। केरल शायद उनको पहचान गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया। अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान ली हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो, ऐसा है किसके साथ है वो? पहले भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों निकल चुके थे, ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके, काली बंडी पर जन जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती अभी, उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदल पाता है, और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है। और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना कि ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता है, लेकिन मैंने कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे, उसके बाद मैं कर पाऊंगा क्योंकि हमें मालूम है। तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी टीम मिली है हर राज्य में, चाहे विपक्ष में हो तो भी और सरकार में हो तो भी, चाहे मुख्यमंत्री हो तो भी चाहे मंत्री हो तो भी, हर कोई सिद्धांतों के आधार पर मूल्यों के आधार पर जी जान से जुटे रहते हैं। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे पास ऐसे सैकड़ों होनहार लोग हैं। महाराष्ट्र और बंगाल क्या चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए? और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में आगामी वक्त में विलय कर लेंगी, उनके बयान को कैसे देखें? देखिए उनका बयान आया बारामती के चुनाव के बाद, और शरद पवार का बयान है तो मतलब उसमें कोई ना कोई महत्व है। और मैं पक्का मानता हूं शरद पवार मान चुके हैं कि मान्य विपक्ष बनना भी संभव नहीं है कांग्रेस के लिए, और इसलिए छोटी छोटी पार्टी अगर मर्ज कर देती है तो हो सकता है मान्य विपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए वो उनको मिल जाएगा, और इसलिए वो मान्य विपक्ष की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसलिए शायद वो इस बात में लगे हुए हैं कि मान्य विपक्ष बनाने के लिए इन सबको मर्ज कर दिया।